माथे पे लगाते हैं, जो हजारों कष्टों को हजारों संकटों को हरता है। अभी अंदर भैया बैठ के हमसे बात कर रहे थे उदी के लिए, तो भैया ये भजन उदी का है, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें उदी के बारे में बताया कि उदी का क्या महत्व है, उदी की क्या विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा। Bye.
भाई जो यहाँ बैठे जो हर साल आते हैं इस जागरण में, कौन से ऐसे भक्त हैं? सब आते हैं, एक बार अपने लिए ताली बजाइए जोरदार, ये बात। और एक बार बाबा के लिए, क्योंकि बाबा आपको बुलाते हैं, दोनों हाथ उठा के। और क्या कहते हैं जो भक्त हर साल आते हैं और फिर अगले साल का इंतजार करते हैं कि इस साल आने वाले समय में 8 अप्रैल को फिर से जागरण होगा, वो क्या कहते हैं? कितने जयकारा जय घोष लगाएं तो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। उसकी वजह यह है कि जब तक हाथों की लकीरों को साई नहीं देखेंगे तो सवरेंगे नहीं, इसलिए दोनों हाथ उठाइए। बोले साईनाथ महाराज की। और आइए एक बार फिर से मेरे बड़े भाई प्रवीण मलिक जी आप सभी के समक्ष।